हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे वेजिटेरियन डिश भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए ये कुछ वेजिटेबल्स आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले 1 किलो भिंडी को पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लें और उसको ड्राई होने के लिए रख दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसकी कटिंग कर लें। इस तरह से ये सारी कटिंग हो जाएगी। अब 2 से 3 प्याज लेकर उनको भी छील के कटिंग कर लें। इसको पकाने के लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इस ऑयल में कटे हुए प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। फिर उसमें से आधे प्याज को आप अलग-अलग बाउल में निकाल लें। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट के लिए आप सोटे कर लें। अब इसमें नमक 1 टीस्पून या हसबे जायका, रेड चिली 1 टीस्पून या हसबे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच डालकर थोड़ा सा पानी डालें और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लें। अब उसके बाद 1 से 2 टमाटर, वो भी आप ऐड कर लें और उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल दें और साथ ही 1 ग्रीन चिली भी ऐड कर दें और उसको उस टाइम तक पकाएं जब तक टमाटर गल ना जाएं। उसके बाद टमाटर के छिलके उतार कर उसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। भिंडी के लिए ग्रेवी तैयार है। अब एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डालें और उसमें कटी हुई भिंडी को डालकर अच्छी तरीके से भूनें। हीट आपने मीडियम रखनी है, तेज़ हीट से भिंडी जल जाएगी। अब उसमें 2 कटी सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दें। अब जो प्याज सोटे के वाले अदा किए थे वो भी ऐड कर दें और जो ग्रेवी बनाई थी वो भी ऐड कर दें और इसको पकाएं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। एंड में इस पे फ्रेश धनिया डालें, फिर लेमन जूस डालें और उसको थोड़ा सा मिक्स करके हीट से उतार लें। भिंडी तैयार है। अब मैं भिंडी के साथ खाने वाले प्याज का सलाद बनाती हूँ। इसके लिए प्याज को रिंग स्टाइल में कटिंग कर लें। 1/4 टीस्पून सॉल्ट लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लें। रिंस करने के बाद इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालें, फिर सब्ज़ धनिया और पुदीना कटा हुआ डालें, 1-2 पिंच सॉल्ट के डालें और इसको मिक्स करें और भिंडी के साथ इंजॉय करें। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलिए फिर इसका लाइक तो बनता है। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। स्टे हैप्पी।